हेलो फ्रेंड दोस्तों, कैसे आप दोस्तों? आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जिस मैच के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, वो आप उस चीज़ के बारे में अगर जान लेंगे तो आपकी एक ऐसी टीम बन जाएगी, बहुत ही बेहतरीन टीम बनेगी, जिसमें आपके हारने के चांस मतलब मान के चलो 10% ही रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो नॉलेज देना, जो आपको टीम के बारे में बताना है, वो सब मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। आप उस तरह की टीम बनाओ और ग्रैंड लीग विन करो, और या चाहे हेड टू हेड खेलो, उस पर आप विन कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ तुम्हारा बीयूबी और एमएसएफ, बायर और तुम्हारा फ्रैंक के बीच में, ठीक है। इनके बीच में जो मैच खेला जाएगा दोस्तों, जो आज T10 का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, कौन सबसे बेस्ट बैट्समैन किसके तरफ से है और किसके तरफ से बॉलर अच्छे हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई फालतू बकवास नहीं, कोई ज़्यादा वो नहीं, मतलब ज़्यादा वो नहीं, मतलब अच्छो दिया, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट मैंने ले रखी हैं, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं यार, बहुत सारे जगह मैंने सर्च किए, मुझे कहीं ज़्यादा कुछ नहीं मिला, जहाँ मुझे मिला मैंने निकाल लिया और ले आया आपके सामने आपके लिए। यहाँ पे दोस्तों कोई फालतू बकवास नहीं करूँगा, सीधा बताऊँगा, ठीक है, कौन सा आपको प्लेयर लेना है, कौन सा ड्रॉप करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आदिल खान है, ये ऑलराउंडर में आपको शायद मिल जाएगा, ये आपको लेना है दोस्तों, इसको आप रख लेना, अपने पिक कर लेना इसको, ठीक है, आदिल खान को। बाकी आपको कौन सा लास्ट में अपडेट होना है, कौन सा नहीं होना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है, वीडियो में मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी वैसे भी, ठीक है। तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर लेना उसको, आपको बहुत अच्छी अच्छी टीम वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों दूसरा है शाहिद अफरीदी, यार इसको भी आप पिक कर लेना, ये आपको यहाँ पे तुम्हारा ऑलराउंडर में या तो आपको बॉलिंग सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सिकंदर खान दोस्तों, इसका मैं कह नहीं सकता, ये आपको ऑलराउंडर में शायद बैट्समैन में मिलेगा, लेकिन इसका अब कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, और मैंने शायद मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा और लूंगा नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बता दिए पिक करने जो है आपको, साजिद खान अफरीदी ये आपको बॉलिंग सेक्शन में मिल सकता है दोस्तों। 15 विकेट लेके गया बंदा, ठीक है, 12 मैच खेल के 109 रन भी मारे बंदे, लेकिन विकेट देखो ना उसकी, आपको एक विकेट तो लेके देगा ही देगा, ठीक है। हो सकता है आज हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन में ये भी जा सकता है, ठीक है, मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि रिस्क जहाँ है वहाँ इस कैटेगरी, बिना रिस्क के यार आप ग्रैंड लीग कभी जीत नहीं पाओगे, अगर हेड टू हेड खेलो तो जीत सकते हो। बाकी हमजा का आप देख लो, 10 मैच खेल के 157 रन, तो आप इसे लोगे क्या? मैं शायद इसे ड्रॉप कर सकता हूँ, मैं ग्रैंड लीग के लिए इसे ड्रॉप कर सकता हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। मुस्लिम जो अशरफ है, ये 4 मैच खेल के 47 रन और 5 विकेट लेके गए हैं, ध्यान रखना विकेट पे ध्यान देना दोस्तों, आपको 25 पॉइंट सिर्फ एक विकेट के मिल जाते हैं, रन चाहे वो 10 बनाए 20 बनाए उतने का उतना ही पॉइंट रहेगा, लेकिन विकेट के आपको एक विकेट भी ले गया बंदा 25 पॉइंट सीधा आपको दे के जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एमएससी की जो टीम है ना, काफ़ी ये जो आपको एमएससी दिख रहा है काफ़ी अच्छी टीम है दोस्तों, यहाँ पे आपको इनके प्लेयर भी काफ़ी सही मिल जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर हम यहीं से पिक करने वाले। वैसे कादिर खान का दोस्तों आप देख सकते हो, ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिल जाएगा, 4 मैच खेल के 23 रन बनाए बंदे ने और 5 विकेट लेके, शायद इनकी बारी नहीं आती खेलने की, इसलिए विकेट, चलो एक विकेट तो हर मैच में अगर लेके जाता तो ठीक है, 25 पॉइंट यार बहुत है, ठीक है, हम इन्हें भी कवर कर लेंगे अपने टीम में। दाऊद का आप देखो, दाऊद भाई कौन सा दाऊद है, चलो ठीक है यार जो भी है, दाऊद मोहम्मद 4 मैच खेल के 18 रन बनाए 1 विकेट ले गए, यार क्रॉस करो इनको, इनको लेना ही नहीं है अपने टीम में, ठीक है। हबीब का, रहमान का मेरे पास कोई रिकॉर्ड अभी आया नहीं है, मैंने चाहे नहीं निकाल पाया मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार इन्हें निकालने में या देखने में, मैं जहाँ से मैं निकाल रहा हूँ आपको मिल जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वसीम खान का देख सकते हो, 6 मैच खेले हुए हैं, 15 रन है और 6 विकेट है, मतलब 1 विकेट लेके जाता है हर मैच में, ठीक है ना। वहाँ पर आप देखो नफीस का आप देख सकते हो, नफीस बटर का आप देख सकते हो, 4 मैच करके 10 रन बनाए 5 विकेट लेके, मतलब विकेट लेके जाता बंदा, ठीक है, लेके जाता है, याद रखना लेके जाता है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों बायर की, इसके बायर जो हमने आप बताया था तुम्हारा, ये वाले जी हैं जो बीयूबी का, बात करें हम अब तो यहाँ पे दोस्तों, यार इनका जो खास ना मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन हो सकता है आज के मैच में तगड़ा कर जाएं, क्योंकि इनका पहला मुकाबला है इसमें। तो यहाँ पे तुम्हारा पाकी को अब याद रखना दोस्तों, पाकी प्रभा जो है ना, इनको बंदों ने 3% लोगों ने ले रखा है, मैंने इनको पिक करके कैप्टन में भी डाला है, अगर ये तोड़ गए ना तो यार अच्छे खासे बना देंगे, रन नहीं दोस्तों विकेट, विकेट ये अच्छे खासे ले सकते हैं, एक में अगर एक मैच में अगर 2 विकेट भी लेंगे ना तो 50 पॉइंट 50 करके कैप्टन में तो 100 पॉइंट तो ऐसे ही खा जाएंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे 6 मैच खेल के 58 रन और 12 विकेट लेके गए हैं,
तो मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि ये कैप्टन के लिए सही है, लेकिन मैं तो रिस्क लूंगा, जहाँ रिस्क है वहाँ इसका आपको पता ही है, ठीक है। और तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो, सीधा वहाँ आपको टीम मिल जाएगी फाइनल, ठीक है। मैंने कल भी जो वीडियो बना रखे हैं दोस्तों वीजी और उसके बीच में जो मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो, अभी उनका मुकाबला होने वाला है उनका टीम, मैं अभी थोड़ी देर मतलब थोड़ा सर्च करके और उसके बारे में अच्छा खासा जान के डालने वाला हूँ, आप वहाँ भी ले सकते हो, पिक कर सकते हो टीम को, ठीक है। श्रीकांत 7 मैच खेल के 177 रन, दोस्तों इनका मुझे ना रिकॉर्ड मतलब मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे ये मिले नहीं, मुझे टेलीग्राम पे इनका नाम पता नहीं किस बेस पे, लेकिन आप देख लेंगे ओडिंग इनके मैच के हैं तो आप पता चल जाएगा बाद में, ठीक है। ये तुम्हारा जी श्री जी, इनका जो है 5 मैच के 40-29 रन और 4 विकेट लेके गए, इनका ड्रॉप करो यार, इनको अभी मैं अपनी टीम में जगह नहीं दूंगा। आरतिरन, ये तुम्हारा वेजा का जो ये करण है तुम्हारे, 11 मैच खेल के 113 रन 10 विकेट, तो ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। सॉरी यार ये अपना पेन से हाथ में पकड़ में नहीं आता, ठीक है। तो 11 मैच खेल के 113 रन बना चुके हैं और 10 विकेट भी ले जा चुके हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो अगर ये खेलते हैं तो। इनमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ड्रीम पे भी लेके जाऊंगा, अभी ड्रीम में भी आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। कितने मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब 4 मिनट और बचे हुए हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। रवि का देख 6 में से 459 रन ड्रॉप करो। जी नावा का देख सकते हो 5 मैच खेल के 43 विकेट, ड्रॉप करो यार, ड्रॉप करो, फालतू चीज़ें नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों आपको बताऊँ तो मैं अली अब्बास अकबर, अरे यार दोस्तों ये बहुत तगड़े तरीके से मैंने सबका ले रखा, अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ, वहाँ भी आप पहुँच जाना, ठीक है। 7 विकेट इन्हें ले सकते हो आप दोस्तों, हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन का भी हो सके, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा टी राजा, इनका शायद मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला, 7 विकेट ये भी लेके गए थे 6 मैच खेल के, रिकॉर्ड शायद नहीं मिला मुझे, मुझे कुछ बंदों का यह रिकॉर्ड नहीं मिला दोस्तों, मैंने ये रिकॉर्ड भी ढूंढ रहा था मैं रमर का, धर्म राजा जो 3 मैच खेल के 9 विकेट लेके गए, इनका मुझे अगर मिलता ना मैं वाइस कैप्टन में डाल देता भाई, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो, ठीक है। मैच होने को बहुत टाइम है यार, 4-5 घंटे से ऊपर है। कल हमारे साथ बहुत ऐसी गलत हुआ था, हमने सब कुछ वीडियो बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, टीम बनाया यार, लास्ट में मैच का क्या हुआ, 1 घंटा बचा था, 1 मिनट, 1 घंटे में सीधा 1 मिनट में पहुंचा दिया उन्होंने, और मैच स्टार्ट कर दिया, बाद में पता चला कि मैच बाद में रद्द हो गया बारिश सारिश इसके कारण, ठीक है। चलो आपको ले चलता हूँ ड्रीम पे दोस्तों, ड्रीम पे देख लेना, सिलेक्शन पे मत जाना, लोगों ने कितना सिलेक्शन कर रखे यहाँ पे, मैं अभी दूसरा मैच ले रहा हूँ, 6 घंटे जिसमें बचे हुए हैं। टीम दोनों एक ही है, प्लेयर एक ही है, सब कुछ एक ही है, बस आपको टीम के आपको प्लेयर के नॉलेज होनी चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ पे रवि कांत को, अभी रवि को सिलेक्शन दे रखा, याद है मैंने अभी कहा था शायद इसमें आपको रवि के बारे में, टी राजा टी राजा टी राजा टी राजा, अभी रवि मुझे अभी यार दिख नहीं रहा, इतना टाइम नहीं है। रवि आन ये रहा 6 मैच खेल के 59 रन, अभी दोस्तों ये सिलेक्शन में मैंने रखे हुए हैं क्योंकि इनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, अभी मुझे खेलने का ऊपर अभी बात है, ऐसे इंद्रन अगर खेलते हैं तो दोस्तों मैं इन्हीं को लूंगा, इनको पिक करूंगा, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जी श्री पे मैं जा रहा हूँ दोस्तों, जी श्री को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये अब्बास अकबर मैंने आपको बताया था, बॉलिंग भी करेंगे आपको और बैट्समैन भी रन देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी बड़े बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर रखा है मैंने, ए खान, ये तुम्हारा ए खान जो है ना, आदिल खान, मैंने आपको सबसे पहले जो दिखाया था दोस्तों आदिल खान के बारे में, यहाँ पर आप देख सबसे पहले इनका टॉप पे ही है और ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो अभी लेके साथ में चल रहे हैं अपने, ठीक है। आदिल खान ए त्यागी को छोड़ो, अभी अभी छोड़ो, अभी फालतू चीज़ें नहीं, ठीक है। आपने 3 पिक देख लिए मेरे यहाँ पे, आप बस ये कर लेना सिलेक्टेड जो बाय होता ना, सिलेक्टेड बाय डाउन की तरफ कर देना, आपको सबसे टॉप वाले दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एम यार अशरफ को कर रखा है, कादिर खान को कर रखा है 200 पिक, और यहाँ पे एस अफरीदी जी आर को पिक कर रखा है, ठीक है। मैंने कहा ना ऑलराउंडर सेक्शन में भी है और बॉलिंग सेक्शन में भी है दोस्तों, अब वो भी देखेंगे। अब डब्लू नूरी को मैंने अभी ड्रॉप कर रखा है, मैं उनको ले सकता हूँ, बाद में पता चल जाएगा कौन लाइनअप में आ रहा कौन नहीं आ रहा उसके बाद ही, ठीक है। टी राजा को मैंने ले रखा है पिक कर रखा है, एन वेटलर को मैंने ले रखा है यहाँ पे, और एस खान अफरीदी, ये दोस्तों मैंने बताया था ना आपको, जो काफ़ी अच्छे बैट्समैन मतलब बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं, विकेट लेके गए हैं, 2 विकेट भी अगर ले जाते हैं तो 50 का 100 मिल जाता है यार। ए प्रभा, इनको दोस्तों 1% लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है यार, ये देखो ना 1% लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। मैंने पिक कर रखा है आपको इनका रिकॉर्ड, आपको ये अगर याद होगा तो मैंने आपको इनका रिकॉर्ड दिखाया था, ए प्रभा का सबसे ऊपर है, देखो इनका जो नाम है ना ए प्रभा सबसे ऊपर है, 6 मैच में 58 रन 12 विकेट लेके गए, 2 विकेट ले जाने की क्षमता ये भी रखते हैं भाई, ठीक है।
ये मैच हो गया दोस्तों, ये टीम बन गई हमारी, आप देख सकते हो टीम। अब मैं आपको वाइस कैप्टन कैप्टन के मैंने बज्जो भी बना रखे हैं, ए प्रभा को बना रखा है कैप्टन, वाइस कैप्टन एस खान अफरीदी। अगर ये दो दो विकेट भी ले जाता ना यार, 50-50 100 के पॉइंट बन जाता आज के डेट में ना दोस्तों, बैट्समैन ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाता। मैंने आपको पिछले मैच भी आपको दिखा रखे हैं, मैंने काफ़ी मैच अभी खेले हुए हैं यार, ग्रैंड लीग से ना 40 रन, मतलब इतने कम रनों से यार ग्रैंड लीग मेरा छूट जाता है। ठीक है चलो कोई नहीं दोस्तों, कोशिश करते रहो कामयाब हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से अभी फिलहाल टीम मैं भी बना रखी है, लास्ट टीम जो फाइनल होगी ड्रीम इलेवन की दोस्तों, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अभी मैं बहुत जल्दी अभी आपको देने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी, इसके बाद वो भी देख लेना आपको, उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपको बता दूंगा, आप उसकी जानकारी भी यार रख लेना पहले से ही, और अच्छी एक टीम खुद एक अच्छी टीम बनाने की पूरी कोशिश करना है यार, दूसरों की चीज़ों पर ना अगर निर्भर रहोगे ना दोस्तों, आपको कुछ ऐसे आपके माइंड में ऐसे प्लेयर जरूर आएंगे कि यार ये लेना चाहिए मुझे और ये वाला ड्रॉप करना चाहिए दोस्तों, वो कर लेना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने भी पहले काफ़ी अच्छी चीज़ें देख रखी हैं। मैं जो पिक करता था ना यार, इतने कम सिलेक्शन जो बंदे जो ने लेते नहीं उनको मैंने ऐसे पिक कर रखा था ना, बाद में देखा दूसरों का टीम देख के मैंने यार वो चेंज कर दिए, तो साला बाद में इतना अफसोस होता ना कि यार मेरा जो प्लेयर मैंने पहले ले रखा था ना वो चल गया। हम दूसरों की टीम देख के दोस्तों बना तो लेते हैं, लेकिन यार ज़रूरी नहीं है, उससे बेटर क्या पता आप बना लो यार, आप सिर्फ नॉलेज रखो प्लेयर के बारे में, बाकी आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ रहें। जय हिंद जय भारत।